हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बनाएंगे नो बेक ओरियो आइस केक। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया डेजर्ट रेसिपी है। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट में हमारा ये आइस केक तैयार हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओरियो आइस केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ओरियो कुकीज़ ली है। मैंने ये चॉकलेट फ्लेवर की कुकीज़ ली है। अगर आपके पास वनीला फ्लेवर हो तो भी चल जाएगा। आपको जो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता हो आप यूज़ कर सकते हो। हम इसे ऐसे हाथ से ही कट कर लेंगे। अब इन कुकीज़ को हमें ग्राइंड करना है, तो अब हम इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधी कुकीज़ को ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और हमें इसका फाइन पाउडर बना लेना है। ये देखिए, मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बिस्किट को क्रश करने के बाद मैंने उसमें मेल्टेड बटर डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा और चॉकलेटी फ्लेवर आने के लिए मैंने यहाँ पर ये चॉकलेट टॉपिंग यूज़ किया है, बट इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आपके पास ऐसे टॉपिंग नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और ऐड कर सकते हो। और हम इसे अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर बहुत कम समय है डेज़र्ट बनाने के लिए तो उस समय आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही आसानी से और कम समय में बन जाता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये किक टिन यूज़ कर रही हूँ, जिसमें जो बेस है वो आसानी से निकल कर आता है। और ये किक टिन आइस केक बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी कांच का बोल या केक टिन ले सकते हो, जिसमें आपको नीचे बटर पेपर को अच्छे से लाइंड अप कर लेना है और आप उसमें भी ये रेसिपी बना सकते हो। तो यहाँ पे जो कुकीज़ क्रश है उसे मैंने नीचे केक टिन में डाल दिया है। हम इसे सारे साइड में अच्छे से कवर अप कर लेंगे। मैंने यहाँ पर केक टिन को ऑयल या बटर से ग्रीस नहीं किया है। यहाँ पे मैंने ये स्टील के चम्मच से ऊपर से हम हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे और इवन कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये 1 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम लिया है। हम इसे अब अच्छे से बीट कर लेंगे। हम नॉर्मल जैसे व्हिपिंग क्रीम को बीट करते हैं, वैसे ही हमें इसे हाई स्पीड पे बीट कर लेना है। मैं यहाँ पे थोड़ा कम क्रीम का यूज़ करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे एक बोल में ओरियो कुकीज़ ली है, जिसे मैं बेलन से क्रश कर रही हूँ। आपके पास अगर ज़िपलॉक बैग हो तो आप उसमें भी इसे आसानी से क्रश कर सकते हो। अब हम इन क्रश्ड कुकीज़ को जो क्रीम हमने बीट किया था उसमें ऐड करेंगे। अगेन, इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। मैं यूजुअली इसमें चॉकलेट एसेंस भी ऐड करती हूँ टू गेट दैट एक्स्ट्रा चॉकलेट फ्लेवर। अब हम क्रीम को कुकीज़ की लेयर के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे इवनली स्प्रेड कर लेना है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं यहाँ पे बहुत ही कम क्रीम का यूज़ करने वाली हूँ, पर अगर आप चाहो तो केक टिन की जितनी हाइट है उतने हाइट तक भी क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको और ज़्यादा क्रीम को बीट करना पड़ेगा। तो अब हम इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर ओरियो कुकीज़ का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये कुकीज़ ली है, इसे हम ऐसे अंदर से क्रीम निकाल लेंगे। तो एक एक करते हुए मैंने यहाँ पे 5-6 कुकीज़ में से क्रीम को निकाल लिया है। और अब हम इन कुकीज़ को केक के ऊपर रखेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने आने वाले वीडियोस में आइस केक की और भी नए नए टाइप्स शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो अब हमारा ये केक फ्रिज में सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे तक सेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और अब मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। तो मैं इसे अब साइड से अनलॉक कर रही हूँ। अगर आप ये केक मोल्ड खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे चेक कर लीजिए। तो हमारा जो आइस केक है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो हमारा सुपर ईजी नो बेक नो ओवन ओरियो आइस केक तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिए और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, इस केक को बनाने के लिए आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे।
तो कम समय में बनने वाली ये बहुत ही बढ़िया डेजर्ट रेसिपी है। फ्रिज में अच्छे से एक दो घंटे तक सेट करने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप इसे 4 से 5 घंटे तक भी फ्रिज में अच्छे से सेट कर सकते हो। सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी बेकिंग। साथ ही मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। एंजॉय।